बिल्डिंग के फ्रंट में एक ट्री है जिसकी वजह से थोड़ा सा एलिवेशन जो है दब रही है। 3 गेट दिया हुआ है, इसमें आपको 2 गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी। ₹360 स्क्वायर यार्ड्स। और बिल्डिंग के सामने में देखिए, मैं आपको इसका पार्क दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए सामने देख रहे हैं, ये पार्क है। सो दिस इज अ स्टील लेवल जो काफी स्पेसियस है। Each and every floor will have exclusive 2 car parking, dedicated car parking, 2 car की, 2 गाड़ियों की। यहाँ पे जो है इन्होंने स्टील पार्किंग एरिया में जो सिलेंडर का कनेक्ट पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर का, गैस सिलेंडर्स का 4। इस प्रॉपर्टी में बेसमेंट भी है, लेकिन बेसमेंट जो है बिल्डर जो है दे डोंट वांट टू सेल द बेसमेंट। कोने की लिफ्ट लगी हुई है एंड दिस इज द स्टेयर एरिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी शिकवा प्रॉपर्टीज। आज जो मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो है 360 स्क्वायर यार्ड्स, 4 BHK, 4 वॉशरूम, किचन, बैक एंड फ्रंट बालकोनी, ड्राइंग एंड डाइनिंग विथ स्टील पार्किंग। ये प्रॉपर्टी जो है South City 2 में लोकेटेड है। South City 2 विच इज 100% गेटेड कम्युनिटी, काफ़ी अच्छा है। सामने बिल्कुल पार्क है, 3 साइड कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, कॉर्नर की प्लॉट है एंड 3 साइड ओपन है। बैक में ग्रीन बेल्ट है, साइड में भी ग्रीन बेल्ट है एंड फ्रंट में जो है आपका रोड है। तो इट मींस कि 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनी हुई है, ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छा है, जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है सारे ब्रांडेड लगे हुए हैं। और 360 स्क्वायर यार्ड्स में 4 BHK एंड ये जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। अभी आज के डेट में अपर ग्राउंड फ्लोर जो है अवेलेबल भी, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर विथ रूफ राइट अवेलेबल है विथ स्टील पार्किंग। लेकिन कभी भी जो है, क्योंकि काफ़ी सारे बायर्स आ रहे हैं इस प्रॉपर्टी को विजिट कर रहे हैं और एनी टाइम इट कैन बी सोल्ड आउट। तो ये प्रॉपर्टी अगर आपको वीडियो समझ में आती है, प्रॉपर्टी समझ में आती है, डू कॉल मी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर द साइट विजिट एंड ऑल एंड विल शो यू दिस प्रॉपर्टी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गेट इट डन एट बेस्ट पॉसिबल रेट। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी अगर समझ में आती है तो हमारे चैनल को, यानी कि हम वीडियो को, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को हिट करें एंड देन जो है आप जरूर कमेंट्स करें। किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट्स हो आप जरूर कमेंट्स करें एंड इट विल बी ग्रेट कि अगर आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें और या व्हाट्सअप करें, क्योंकि कमेंट्स में जो है हम काफ़ी चीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बायर जो होते हैं कमेंट्स में पूछते हैं कि जी प्राइसेस क्या है या इसकी कौन से फ्लोर अवेलेबल है या नहीं है, तो इट्स बेटर टू कॉल मी। वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो है हम ओवर द फोन जो है डिटेल में डिस्कशन कर सके प्रॉपर्टी के बारे में एंड अदर ऑप्शंस में, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो उस हिसाब से हम आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, आपके बजट को समझते हुए हम आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर्टी के बारे में एंड डिटेल में बता सके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। उसके पहले मैं इस प्रॉपर्टी का जो है लेआउट बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 स्क्वायर यार्ड्स, 4 BHK, लोकेटेड एट South City 2, विच इज 100% गेटेड कम्युनिटी एंड बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। तो अभी मैं जो है डाइनिंग हॉल में खड़ा हूँ और ये देखिए, ये जो है, ये सामने जो है आपका मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के साइड में जो है ये जो है ये एक विंडो दिया हुआ है जहाँ पे आपके फ्रॉस्ट ग्लास आ जाएगी, जो नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन, नेचुरल लाइट के लिए बेसिकली, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जो है ये ग्लास आ जाएगी। तो मैं आपको इसका लेआउट कम्प्लीटली में लेआउट बता देता हूँ कि ये जो डाइनिंग हॉल एरिया है सामने अगर आप देख रहे हैं, ये जो फ्रंट में ये बेसिकली ड्राइंग रूम एरिया है, लिविंग एरिया है, उसके बाद फ्रंट में बालकोनी है एंड फ्रंट फेसिंग जो है आपका एक बेडरूम है। ये जो बेडरूम है ये फ्रंट में है जो आपका फ्रंट बालकोनी से कनेक्टेड है। आप फ्रंट में ही आप किचन है, ये देखिए ये किचन है, मैं आपको अभी किचन दिखाऊंगा। बैक साइड में जो है 3 बेडरूम है।
ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक बेडरूम है एंड देन एक जो है ये आपका एक ये बेडरूम है सेंटर में जो बैक साइड में है एंड एक राइट साइड में बेडरूम है। थ्री बेडरूम जो है बैक में है एंड दिस इज द पाउडर वॉशरूम जो एक बेडरूम से कनेक्टेड है। तो इसका ये लेआउट है बहुत ही अच्छी लेआउट है, ऑप्टिमम एरिया की यूटिलाइजेशन है एंड प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड लुक एंड फील ईच एंड एवरीथिंग जो है काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको जो है इस पूरी प्रॉपर्टी का वीडियो टूर कराता हूँ। सो पहले मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये जो है लिफ्ट से हम बाहर निकलते हैं, कोने का लिफ्ट लगा हुआ है। दिस इज ए स्टेयर्स, आयरन की जो है रेलिंग है, ग्रेनाइट जो है स्टेयरवे पे जो ग्रेनाइट लगाया हुआ है, फ्लोरिंग कराया हुआ है वो काफी अच्छी क्वालिटी के ग्रेनाइट प्रीमियम पत्थर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि ये ग्लास की जो है विंडो है, क्योंकि थ्री साइड ओपन की होने की वजह से इसमें नेचुरल लाइट, सनलाइट, क्रॉस वेंटिलेशन वगैरह काफी अच्छा है। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस, ये है 8 feet की हाइट है। डोर की जो विथ है इट शुड बी अराउंड 4.5 feet, 4 feet की इसकी विथ है डोर की। दिस इज अ डाइनिंग हॉल एरिया, यहाँ पे जो है फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग नहीं है लेकिन विट्रीफाइड टाइल्स की जो है प्रीमियम क्वालिटी की, सुपर प्रीमियम क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल्स जो है इन्होंने लगा रखा है बेस कलर की। एंड दिस इज अ फॉल सीलिंग, सिंपल एंड श्योर फॉल सीलिंग, वाइट कलर की जो है एलईडी लाइटिंग्स एंड ऑल। यहाँ पे जो है ये झूमर आ जाएगी एंड इसमें सैंडलियर लाइट आ जाएगी। सो स्पेसियस डाइनिंग हॉल एरिया है, काफी स्पेसियस है डाइनिंग हॉल एरिया। दिस इज द लिविंग रूम ड्राइंग रूम एरिया, स्पेसियस है ड्राइंग रूम एरिया। सीलिंग में जो है वुडन का जो है इन्होंने पैनलिंग किया हुआ है और अगर इसकी हम फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग जो है लाइक आई सेड विट्रीफाइड टाइल्स यानी प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द विट्रीफाइड टाइल्स हैज बीन यूज्ड। एंड ये सामने जो देख रहे हैं वॉल पे बेसिकली ये स्टोन है नॉट वॉलपेपर, काफी अच्छा लग रहा है, लुक्स वेरी नाइस, स्टोन है। एंड दिस इज कनेक्टेड टू द फ्रंट बालकोनी, लेट मी टेक यू द फ्रंट बालकोनी। यूवीवीसी का जो है डोर्स एंड विंडो, ह्यूज रनिंग बालकोनी, फ्रंट बालकोनी जो है काफी बड़ा है, स्पेसियस है। एंड सीलिंग में जो है ना वुडन का पैनलिंग कराया हुआ है। और अगर हम इसकी फ्लोरिंग की बात करें बालकोनी के तो टाइल लगाई हुई है एंड वेट शुड बी अराउंड 5 feet, 5.5 feet। सो स्पेसियस बालकोनी है, ग्लास एंड आयरन की कॉम्बिनेशन में जो है रेलिंग है, ग्रे कलर की पेंट किया हुआ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हिलता नहीं है। नॉर्मली जो ग्लास की रेलिंग होती है वो सपोर्ट, काफ़ी सारे बिल्डर जो हैं सपोर्ट नहीं देते हैं जिसकी वजह से पूरी रेलिंग हिलती है, लेकिन ये जो है बिल्कुल नहीं क्योंकि इन्होंने काफ़ी सपोर्ट दे रखा है। This is a living area, dining area,
एंड ह्यूज डाइनिंग हॉल, काफ़ी स्पेसियस डाइनिंग हॉल एरिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। सिंपल एंड शोवर फॉल सीलिंग इन द डाइनिंग हॉल। किचन जो है फ्रंट में थोड़ा आइसोलेटेड है, जो आपको डाइनिंग हॉल से विजिबल नहीं है वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए किचन है, किचन की जो इन्होंने फ्लोरिंग करा रखी है टाइल है ये वाइट कलर की। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की स्पेस है, स्पेस फॉर माइक्रोवेव ओटीजी। स्पेशियस किचन है। दिस इज द लोअर कैबिनेट्स, सो स्टोरेज काफी अच्छा है, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी इन द किचन। काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ इसके जो सारे जो हैं ड्रॉर्स हैं। सो दिस इज द लोअर स्टोरेज बेसिकली, दोनों साइड में बोथ साइड में लोअर स्टोरेज। एंड इसकी अगर हम अपर स्टोरेज भी दिखा देते हैं, ये देखिए अपर स्टोरेज है। एंड ब्लैक कलर की टॉप जो है ग्रेनाइट है ब्लैक कलर की बोथ साइड। तो किचन स्पेसियस है, एम्पल स्टोरेज कैपेसिटी। यहाँ पे जो है हॉब एंड चिमनी अभी आएगी, इंस्टॉल हो गई, टू इंस्टॉल वेरी सून। हॉब एंड चिमनी आपको जो है लगा हुआ मिलेगा। एंड दिस किचन इज कनेक्टेड टू द फ्रंट बालकोनी, सो नेचुरल लाइट क्रॉस वेंटिलेशन काफी अच्छा है किचन में, डार्क नहीं है। डबल सिंक डिश वॉश एरिया, स्टेनलेस स्टील का जैक वॉश की फिटिंग्स, ग्रे कलर की जो है टाइल है सारी। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ द किचन जो है ग्रेट, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कलर एंड कॉम्बिनेशन जो है ग्रे कलर की थीम है। लेट मी शो यू द फर्स्ट बेडरूम। थ्री 60 स्क्वायर यार्ड्स, 4 BHK, 4 वॉशरूम। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, फ्रंट फेसिंग। डिजाइनिंग ऑफ द फॉल सीलिंग को लुक्स वेरी नाइस, गिव एस्थेटिक लुक्स। और लाइट येलो कलर की जो है वॉल पेंट है लाइट कलर की। और इस बेडरूम में जो फ्लोरिंग है वुडन फ्लोरिंग है, सो प्रीमियम क्वालिटी का वुडन फ्लोरिंग है। स्पेशियस बेडरूम। एंड एज आई सेड दिस बेडरूम इज कनेक्टेड टू द फ्रंट बालकोनी, UPVC डोर्स, ग्लास डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स एंड ऑल। कोई वॉलपेपर नहीं लगाया हुआ है, वॉलपेपर जो है आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। एंड ये जो है वार्डरोब एरिया है, सो क्लोजेट वार्डरोब। बॉटम में जो है इन्होंने ड्रॉअर दिया हुआ है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि जी वो ड्रॉअर्स नहीं है, तो आपको ये देखिए कि जो ड्रॉअर्स दिया हुआ है। एंड डबल डोर्स के यानी कि 6 पैनल्स के जो है वार्डरोब है। सामने भी देख सकते हैं ये अब वार्डरोब है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। और डबल डोर्स के 2 वार्डरोब यहाँ पे हैं, एक जो है आपको खोल के दिखा देता हूँ। तीन ड्रॉअर दिए हुए हैं वार्डरोब्स में, और इन्होंने कॉर्नर को भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया हुआ है, तो हैंगिंग स्पेस है कॉर्नर में। एंड डबल डोर्स के 2 इधर हैं।
अटैच वॉशरूम, ग्रे कलर की फ्लोरिंग, डेडिकेटेड शावर एरिया एंड ग्रे कलर का ही जो है वॉल टाइल है, काफी स्टनिंग। ओवरहेड शावर, हैंड शावर, स्लाइडिंग डोर्स की ग्लास के ग्लास के डोर्स है स्लाइडिंग्स, सो डेडिकेटेड है। एंड दिस इज द वॉश आई मीन वॉशरूम इन द सेंस कि दिस इज द वॉश मशीन, काफी अच्छी क्वालिटी का वॉश मशीन है। सो लुक एंड फील ऑफ दिस वॉशरूम इज ग्रे, has a window to have a natural light. याले कंपनी के जो है ब्रास फिनिशिंग में सारे लॉक्स एंड डोर के लॉक्स हैं एंड हैंडल भी जो है सारे वॉशरूम्स की वो भी ब्रास लुक्स में है। मूविंग फॉरवर्ड दिस इज द डाइनिंग हॉल एरिया, द पाउडर वॉशरूम which is connected to one of the bedroom. Hand towel stand and all everything उन्होंने install कर रखा है। Dedicated shower area, hand shower, लीग्रैंड के सारे स्विचेस लगे हुए हैं प्रीमियम क्वालिटी का, जो टॉप क्वालिटी का जो लीग्रैंड के टॉप ब्रांड है, सारे स्विचेस बोर्ड एन एन लीग्रैंड के लगे हुए हैं। और नॉर्मली काफ़ी सारे बिल्डर जो हैं चौखट के बाद चौखट के पास भी जो है बॉर्डरिंग जो है वो कराते नहीं है, बट इन्होंने सारी जो बॉर्डरिंग जो करा रखी है ये आप देखिए, सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक्स नाइस। 8 feet का हाइट है एंड दिस इज द सेकेंड बेडरूम एट द बैक, स्पेशियस बेडरूम है, विट्रीफाइड टाइल्स, As I mentioned earlier, कि this bedroom is having access to the powder washroom, which I have shown you just now. And this is the wardrobe, closet wardrobe, double doors के। इस बेडरूम में जो बेडरूम जो है बैक बालकोनी से कनेक्टेड है, सो ईच एंड एवरी बेडरूम हैज नेचुरल लाइट, ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस सनलाइट, नेचुरल लाइट, एयरी फीलिंग है। यूपीवीसी डोर्स एंड विंडो,
अपर ग्राउंड फ्लोर पे जो है एक ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जो काफ़ी स्पेसियस है, जो बैक बालकोनी में इट शुड बी अराउंड 17-18 फीट का आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द बैक बालकोनी, काफ़ी स्पेसियस है। एंड एज आई मेंशन की जो है सी साइड ओपन, बैक साइड में जो है ये ग्रीन बेल्ट है, इस बिल्डिंग के बैक साइड में ग्रीन बेल्ट है। सो कुछ आएगा नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं आएगी। सो प्रॉपर्टी की जो फेसिंग है वो भी ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग है, काफ़ी अच्छी सनलाइट आएगी आपको दोनों, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, आफ्टरनून में भी। एंड जो दो बेडरूम है इस बालकोनी से कनेक्टेड है, ह्यूज स्पेसियस बालकोनी। मूविंग फॉरवर्ड गोइंग टू शो यू द सेकंड थर्ड बेडरूम, सिंपल एंड सोबर फॉल सीलिंग। ये प्रॉपर्टी काफी अच्छी बनी हुई है, पीसफुल लोकैलिटी है, लेविस लस ग्रीन एरिया है, गेटेड है। दिस इज द थर्ड बेडरूम विच इज एट द बैक सेंटर में है, स्पेशियस बेडरूम, काफी बड़ा बेडरूम है ये। लाइट येलो कलर की जो है वॉल पेंट है। दिस इज द वार्डरोब, स्लाइडिंग डोर्स के वार्डरोब हैं, स्पेसियस से काफी बड़ा है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। यू कैन सी सो स्टोरेज जो है काफी अच्छा है, टॉप तक सीलिंग तक है, नीचे भी ड्रॉ दिए हुए हैं। एंड दिस बेडरूम इज हैविंग अटैच वॉशरूम। थोड़ा बहुत अभी काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसे ये टू विविन प्रॉपर्टी है। डेडिकेटेड शावर एरिया, ईच एंड एवरी वॉशरूम का, हर वॉशरूम में जो है इन्होंने हैंड शावर दिया हुआ है एंड ग्लास पार्टीशंस दिए हुए हैं। ईच एंड एवरी वॉशरूम इज हैविंग अ विंडो टू हैव अ नेचुरल लाइट, सो कोई भी वॉशरूम जो है डार्क नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड गोइंग टू शो यू द फोर्थ बेडरूम, तीन सौ साठ गज में जो है बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, लेकिन इसकी जो लुक एंड फील है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, लेआउट है, डेट इज ब्रिलियंट, सुपर्ब, डिसेंट है, मैग्निफिसेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी कॉम्पिटिटिव अट्रैक्टिव रेट पे अवेलेबल है। टॉप फ्लोर भी इसमें रूफ राइट के साथ आपको मिलती है। दिस इज अ फोर्थ बेडरूम, दिस बेडरूम इज हैविंग अ वुडन फ्लोरिंग एंड इन्होंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे वार्डरोब दिया हुआ है। दिस इज द वार्डरोब जो सीलिंग तक है, डबल डोर्स के वार्डरोब है, सिंपल एंड सोबर फॉल सीलिंग।
huge spacious bedroom. As I said earlier, कि ये बेडरूम जो तीन बेडरूम जो बैक में है वो बैक बालकोनी से कनेक्टेड है. सो नेचुरल लाइट, क्रॉस वेंटिलेशन एंड ऑल काफी अच्छा है. कॉर्नर की वजह से जो है इसमें विंडो दिया हुआ है. सो डेडिकेटेड शावर एरिया, स्लाइडिंग डोर्स के जो है इसके ग्लास के स्लाइडिंग डोर्स के पार्टीशंस हैं. हमारे वीडियो को जो है अगर पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अच्छी प्रॉपर्टीज़ में लेके आते रहता हूँ जो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, लोकेटेड एट द मार्वलस लोकेशन. उस प्रॉपर्टी का मैं वीडियो शूट करते रहता हूँ. मैं ये देखिए जो स्टेयर्स पे हैं यहाँ पे भी जो ग्लास विंडो दिया हुआ है, तो पूरा जो स्टेयर एरिया है आपको नेचुरल लाइट मिलेगी. सारे राइट फ्रॉम दी ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर आपको नेचुरल लाइट मिलेगी, क्योंकि साइड में भी जो है आपका कोई बिल्डिंग नहीं आएगा. तो ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी हो गया ये. सो अब मैं आपको जो है पार्किंग एरिया दिखाऊंगा, इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाऊंगा. और वीडियो अगर समझ में आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. डू कॉल मी फॉर द फोर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी. आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ.